हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे DOE द्वारा दी गई वर्कशीट। डेट है 21/9/2021, क्रमांक संख्या 75। आज की वर्कशीट हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, क्लास 4 के लिए है। यहाँ पर A, B, C जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिए। आज हम करेंगे रिलेटेड लर्निंग आउटकम, सॉल्व सिंपल रियल लाइफ सिचुएशंस प्रॉब्लम्स। आपके रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम के बारे में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं आज की वर्कशीट। चित्र पहली, दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियाँ हो गई है। आपके इन चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा करिए। बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र पहली दी गई है, जिसमें चित्र नंबर 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं, चार गलतियां जिन्हें हमें ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बटरफ्लाई नहीं है, तो ये गलती नंबर 1। यहाँ पर दूसरी है, इस चित्र में देखिए, एक बटरफ्लाई, 2, 3, तो यहाँ पर 3 बटरफ्लाई, तो ऐसे ही हो गया, 1, 2, 3, ये 3 गलती। और देखिए बच्चों, यहाँ पर फूल है और यहाँ पर फूल नहीं है, तो ये गलती नंबर 4 हो गई। तो देखिए हमें कितनी ईजिली 4 गलतियां मिल गई हैं। अगर आपको और कोई गलती मिलती है तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए हिसाब लगाएं। समर के पिताजी विभिन्न प्रकार के फल बेचते हैं। वे फलों के अलग अलग पैकेट बनाकर रखते हैं, जिससे उन्हें बेचने में आसानी हो। समर के पिताजी क्या बेचते हैं? फल। वो अलग अलग फलों के पैकेट बनाते हैं, जिससे उन्हें फल बेचने में आसानी हो। चलिए देखते हैं क्या क्या फल बेचते हैं। ये देखिए समर के पिताजी का फलों की दुकान है। यहाँ पर तरह तरह के फल रखे हुए हैं। पहला देखते हैं, क्वेश्चन 1। वे सुबह मंडी से सेब और संतरे खरीद कर लाए। उन्होंने वहां से सेब की 8 पेटियां और संतरे की 11 पेटियां खरीदी। सेब की एक पेटी में 15 सेब हैं और संतरे की एक पेटी में 12 सेब हैं। तो समर के पिताजी ने हिसाब कितने सेब और कितने संतरे खरीदे? तो समर के पिताजी मंडी गए, वहां से उन्होंने 8 सेब की और 11 संतरे की ली। तो अगर एक पेटी में सेब है, देखिए बच्चों मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ, अगर एक पेटी में 15 सेब हैं, तो यहाँ पर 15 × 8, 8 पेटियाँ हैं, 8 पेटियाँ उन्होंने खरीदी और एक पेटी में 15 सेब हैं, तो गुना कर लेंगे, 8 × 5 = 40, 0, हाथ लगा 4, 8 × 8 और 4 = 12, तो 120 सेब। ठीक इसी तरह हमें संतरे लगा लेने हैं। संतरे की 11 पेटियां हैं और एक पेटी में कितने हैं? 12, तो 12 को हम 11 से गुना कर देंगे, तो आएगा हमारा यहाँ पे 12 × 12। अब इनको जोड़ देंगे तो कितने आएंगे बच्चों? 1, 2 हो गया, 3 और ये 2, ये तो सेब कितने हो गए? 132 संतरे हो गए, सॉरी 132 संतरे हो गए। तो समर के पिताजी ने कितने सेब और कितने संतरे खरीदे? समर के पिताजी ने 120 सेब, यहाँ पर लिख लेते हैं 120 सेब और 132 संतरे। कितने खरीदे? संतरे। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
समर के पिता ने सेब की 8 पेटियों को खरीदने के लिए 960 रुपए और संतरे की 11 पेटियों को खरीदने के लिए 1100 रुपए दुकानदार को दिए। तो पता कीजिए कि सेब की एक पेटी और संतरे की एक पेटी की क्या कीमत है। बच्चों, हमें पता लगाना है कि एक पेटी संतरे की और एक सेब की क्या कीमत है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर समर के पिता ने सेब की 8 पेटियों को उन्होंने 960 रुपए में खरीदा। तो 960 भागे 8, इसको हमें 8 से भाग दे देना है। तो 8 एकम 8, माइनस कर देंगे, इधर 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ 16, नीचे यहाँ यहाँ पर 16 लिखेंगे बच्चों। सोलह लिख लेते हैं हम, यहाँ हो गया 16। अब ये 0 यहाँ उतरेगा और 1 0 यहाँ लग जाएगा, फिर तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 120 सेब की पेटी। ठीक, और चलिए इसी तरह हम संतरे का निकाल लेते हैं। 1100 को हमें 11 से भाग देना है। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 11 कम 11, 11 यहाँ 1 और यहाँ 0 0 उतरेंगे तो यहाँ पे भी 0 0 लग जाएंगे, तो हमारी आएगी 100। उत्तर आएगा, आंसर आएगा 100। तो एक सेब की संतरे की पेटी की कीमत लिखेंगे यहाँ, सेब कि एक पेटी की कीमत कितनी हो गई, 120 रुपए, और एक संतरे की एक पेटी की कीमत 100 रुपए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उन्होंने अपनी दुकान पर आकर सेब और संतरे के पैकेट बनाए। उन्होंने सेब के एक पैकेट में 6 सेब और संतरे के एक पैकेट में 6 संतरे रखे। उन्होंने सेब और संतरे के कितने पैकेट, छोटे पैकेट बनाए। बच्चों देखिए, हम यहाँ पर कर लेते हैं कि उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने एक सेब के पैकेट में 6 संतरे रखे और एक में 6 सेब रखे। तो उन्होंने कितने छोटे छोटे सेब और संतरे के पैकेट बनाए, तो हम फटाफट से कर लेते हैं। हमारे सेब की एक पेटी में 120 थे, सॉरी हम इसको कर लेते हैं कि एक पेटी की जो हमारे सेब मिले हैं वो कितने थे, 120। तो 120 सेब से हमको 6 से भाग दे देना है। तो ऐसे कर लेते हैं बच्चों, क्विक, 6 कम 6 ये कट जाएगा, 6 से 6 दूनी 12 और ये 20, तो संतरे हैं सेब हैं 20, 20 पैकेट। और इसी तरह संतरे का निकाल लेते हैं। संतरे का क्या है बच्चों, देखिए संतरों का है ये 132, संतरों को 6 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये भी कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12 2 और इधर 1 गया, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी संतरे हैं
संतरे के कितने पैकेट बनाए, यहाँ सॉरी 20 लिख देंगे और यहाँ 22। ठीक बच्चों, यहाँ उन्होंने सेब के 20 पैकेट बनाए और संतरे के 22 पैकेट बनाए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। सेब के एक छोटे पैकेट की कीमत 72 रुपए। एक ग्राहक ने सेब के ऐसे 4 पैकेट खरीदे, उसे समर के पिताजी को कितने रुपए देने होंगे? बच्चों कितने रुपए देने होंगे? अगर एक पैकेट की कीमत उन्होंने 72 रुपीज लगाए 72, तो उनको 4 पैकेट के कितने देने होंगे? तो हमें 72 को 4 से गुना कर देना है। तो जल्दी जल्दी कर देते हैं। 72 × 4 कितना होता है? 4 × 2 = 8, 4 × 7 28, यहाँ पर लिख देंगे 28, 4 × 7 = 28 होता है बच्चों। तो आंसर आ जाएगा समर के पिता को उनको 288 रुपीज देने होंगे, रुपए देने होंगे। इतने कितने रुपए देने होंगे? 288 रुपए। चलिए प्रश्न 5 देख लेते हैं। दूसरे ग्राहक ने संतरे के 6 छोटे पैकेट खरीदे और 324 दिए। तो पता लगाइए कि एक छोटे पैकेट की संतरे की पैकेट की कीमत क्या है। तो बच्चों हम 324 को 6 से भाग दे देंगे। तो 324 भागे 6, तो 6 × 5 = 30, 30 यहाँ 30 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे और फिर यहाँ 2 उतर जाएगा और 4 उतरेगा, तो 6 × 4 = 24। हाँ 24, हमारा शेष फल 0 रहेगा। 6 × 4 = 24, तो यानी संतरे के एक पैकेट की कीमत 54 रुपए। कितने? 54 रुपए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से फल और सब्जियों की पौष्टिकता और गुणवत्ता के बारे में बातचीत करें। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।